आज हम लोग वहां पर सामान खरीदने वाले गाइस, जो हम लोग लोगों को डोनेट करने वाले। Boys, गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है हमारी, बट यहाँ तक पूरा ना फ्लड का पानी आ रखा है। क्या हाल है लड़कियाँ, बढ़िया। 1 लाख जो मेरे एंड से थे वो हम लोग पीएम केयर फंड्स में डाल रहे हैं। तो गाइस फाइनली सारा सामान लोड हो चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस गुवाहाटी से, और इस व्लॉग की शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी गेट के बाहर कौन आ रखा है। गुड मॉर्निंग मेरा भाई, बिछड़ गए थे, मेरा भाई बिछड़ गया था एयरपोर्ट सिक्योरिटी पिकल, बट फाइनली गाइस हर्षित सर, मैं तो इतना टेंशन में था ना भाई, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना फ्लाइट की, टेंशन में था। कैसे बारिश हो गया था बाहर एयरपोर्ट पे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल हम लोगों ने ना इसकी 3 फ्लाइट कराई यश, और तीन भाई मेरा तो रिफंड भी नहीं आया, पता तेरे को भी आ जाएगा रिफंड गाइस, बट तीनों कैंसिल हो गई। फिर आज सुबह की फ्लाइट मिली थी तो हम लोगों ने फाइनली भाई को पहुंचा दिया, बट बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हर्ष नहीं आएगा। हमने भी यही सोचा था कि हर्ष भाई को तो वहीं छोड़ के आए, नहीं भाई तो आ ही नहीं पाएगा। बाबू भैया कभी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ते। हम ड्रोन नहीं छोड़ सकते थे ना भाई, हम ड्रोन थोड़ा छोड़ देते गाइस। हर्ष आपको ना कल स्टोरी बताएगा एयरपोर्ट पे एक्चुअली ड्रोन को लेकर क्या हुआ। मैं गया चेक इन पे तो बैग क्रॉस हो गया, उसके बाद पुलिस वाले ने बोला ये ड्रोन किसका है, उसने ना हर्ष को बोला कि मैं तो क्रॉस हो गया। हर्ष ने अपनी बॉडी का सिक्योरिटी चेक करा था तो उसको पीछे पकड़ लिया, और फिर क्या हर्ष, बस फिर ये ड्रोन किसका है इसको आपको चेकिंग कराना पड़ेगा। कहां से चेकिंग कराते भाई, वो कह रहे तुम वहां जाके सिक्योरिटी चेक करो पहले जाकर। चेक इन वाला बैग कहां से कराते, चेक इन वाला बैग भी हमारे साथ हैंड बैग में। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एयरपोर्ट का स्टाफ था ना वो बहुत अच्छा था, पता है तेरे को अंदर ने एक सब्सक्राइबर मिल गया था। मुझे वो ही टेंशन हो रही थी कि तू कैसे ले जाएगा वो। नहीं नहीं भाई, उसने ना कार्गो में रखवा दिया था भाई, मुझे समझ नहीं आया लॉजिक। एयरपोर्ट में ना फालतू का झंझट है, उस बंदे ने सीधा सीधा वो बैग कार्गो में ही रखा दिया था एक टैग लगा करके, तो हमारा ड्रोन भी उसी के अंदर डाल देते है ना भाई, जब तू उड़ा रहा है। एग्जैक्टली, और वो जो ऑफिसर था वो बोला था छोड़ दो, बट गाइस छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दिन से लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह, एंड मैं जस्ट अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, आज से हमारा डोनेशन का काम पूरा शुरू हो जाएगा। फिलहाल चेक करेगा इस गुवाहाटी का वेदर, अभी भी बारिश वाला हो रहा है, एंड उम्मीद करो आज बारिश ना हो, अगर बारिश होगी तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिलहाल एडिट करते हैं और मिलते हैं आपसे फ्रेश होकर के। तैयार बाबू भैया हो चुके फाइनली रेडी, और आज हमारे साथ हर्ष भी यहाँ पर। भाई फाइनली तो पहुंच गया गुवाहाटी, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी मेरे को कल इसकी, बट व्लॉग व्लॉग एडिट हो चुका, अपलोड हो चुका है। हियर इज रिपन भाई एंड दीदी, व्हाट इज अप, गुड मॉर्निंग। ये लोग हम लोगों को पिक करने आए, अभी हम लोग जा रहे हैं इनके घर कुछ खाने पीने के लिए, कल रात भी हम लोग डिनर नहीं कर पाए। सो गाइस अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं और चलते दीदी के घर खाना खाने के लिए। तो यार अभी हम लोग बाहर निकले, और भाई साहब गुवाहाटी में क्या भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ना बारिश हो रही है और उसके बाद ना धूप पड़ रही है ना, तो इस कारण से ना बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है। फिलहाल कार आ चुके हैं तो चलते हैं घर। तो यार अभी हम लोग हो चुके तैयार, और अभी हम लोग खा रहे खाना, एंड मैं आपको मिलाता हूँ आर्यन भाई से। व्हाट्स अप आर्यन भाई, बढ़िया। ये वो बंदे हमारे जो हमारी सारी फ्लाइट्स कराते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन, तो मैं इनकी इंस्टा आईडी दे दूंगा गाइस, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, और ये आपकी ऑनलाइन फ्लाइट सस्ते में करा देंगे। फिलहाल गाइस आ चुके हमारा खाना, दीदी ने एकदम मस्त 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 खाना खाना बनाया। हमारे पास रोटी है, रायता है, राइस है, और ये दाल भी है, और गाइस चिकन पनीर भी है, चिकन भी है। तो गाइस अभी खाना खाते हैं बिकॉज बहुत भूखे हैं। हर्ष ने तो कल से कल से जब मैं इसे छोड़ के आ गया था ना एयरपोर्ट पे, तब से इसने कुछ नहीं खाया था बिकॉज़ उसके पैसे खत्म हो गए थे गाइस। तो मैंने कहा आ जाए, मैं तेरे को खाना खिला दूंगा, तो अभी खाना खाते गाइस, बहुत भूख लगी है। सो गाइस खाना खाने के बाद नाउ मिशन सेव आसाम शुरू हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस हो जाए, एंड आज हम लोग वहां पर सामान खरीदने वाले गाइस, जो हम लोग लोगों को डोनेट करने वाले। रिपन भाई, रिपन भाई की कार में हम लोग जा रहे हैं गाइस, मेरा पूरा बेस्ट ऑफ लक है कि अच्छे अच्छे काम करके आ जाओ, फुल फुल पावर। बेसिकली यार हम लोग उन जगह में हेल्प आउट देने जा रहे हैं जहाँ पर हेल्प नहीं गया अभी तक। गाइस लेट्स गो, चलते हैं। गाइस अभी हम लोग जस्ट निकले थे और हमारी गाड़ी का हो चुका है एक्सीडेंट। आगे ना गड्ढा था तो एक कार वाला था, उसने ब्रेक मारा, और फिर जो हमारी कार थी उसने भी ब्रेक मारे। तो मैं जस्ट पीछे वाले शीशे में देख रहा हूँ कि वो बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर वो आएगा तो फिर लड़ाई वाला सीन है, नहीं तो। एंड मैंने रिपन भाई को ये बोला कि मैंने कहा बात कर लो जा करके, बिकॉज अगर ठुका होगा तो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अरे हाँ तो बस बात कर लो उससे, क्योंकि यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ भागना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर एनीथिंग, एंड अगर आप भाग जाओगे ना तो फिर कलेश हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि रुक के बात कर लेना। तो वो लोग बात कर रहे हैं अभी, एंड होप ये मैटर सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर रिपन भाई को पैसे पुसे देने पड़े। तो बॉयज गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है हमारी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी गाड़ी का आगे वाला हिस्सा बाहर आ चुका है। ये चेक करें बॉयज, हम किसी राइड पे जाए और उस राइड पे कुछ कांड ना, ऐसा हो ही नहीं सकता बॉयज। आगे वाला सेक्शन ना पूरा बाहर आ चुका है, अभी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सीन है। गाइस हमें मिली एक चिल्लर गैंग अपनी, क्या हाल है लड़कियां, बढ़िया। कैसे हो, थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास में हो आप? सिक्स।
मैं भी आ जाऊँ आपके स्कूल में। चलो बाय बाय। सो गाइस एक्सीडेंट तो अलग बट हमें चिल्लर गैंग मिली थी यहाँ पर। आई भैया मैं आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आसाम आता हूँ। यार एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हमारी गाड़ी थी ना उससे टक्कर लग गई थी आगे वाली गाड़ी को, बिकॉज आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दी विदाउट इंडिकेटर। अब डैमेज हमारा भी हुआ, उनका भी हुआ, हम तो बोल रहे कि सॉर्ट आउट कर लो, बट फिर वो पैसे मांग रहे हैं तो अभी दे रहे वो पैसे, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो आसामी समझ में आती नहीं इतनी। तो यार मैटर सुलट चुका है, हम लोगों ने उन्हें पे करे 1000 रुपए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था मैंने 1000 रुपए इसलिए पे करे क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। नहीं नहीं वो रिपुंदा भी मेरे को दे देंगे, एक्चुअली गाइस इनका बैंक से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो वो मैंने इसलिए पे करे, बट सॉर्ट आउट हो गया यार। एक्चुअली में गलती हमारी नहीं थी, बट इट्स बेटर कि जल्दी सॉर्ट हो गया बिकॉज हमें अभी बहुत दूर जाना है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो यार अभी फाइनली हम लोग पहुंचे रोहा, और मैं ना 5 मिनट सो गया था बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। बट अभी हम जिस लोकेशन पे पहुंचे ना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो एक्चुअली फ्लड्स हम लोग बात कर रहे थे ना वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस चेक करें, अभी हम लोग हाईवे के इस साइड पे खड़े हैं एंड वो आप देख रहे हैं पूरा पूरा पानी है। ये आप घर देख रहे हैं, इस घर में तो फिलहाल पानी पूरी नहीं भरा हुआ बिकॉज ये ना मेन रोड पर है, बट यहाँ तक पूरा ना फ्लड का पानी आ रखा है। बीच में ना गांव-गांव और मकान हुआ करते थे एंड बगल में भी बहुत सारे मकान थे, बट आई थिंक इस फ्लड आने के कारण ना जो पानी का वाटर लेवल है ना वो ऊपर तक आ गया। एंड मैं तो ये सोच रहा है लोग ना कैसे रहते होंगे। वो जो आप लोगों को घर दिख रहे हैं ना वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे कई ऐसे घर हैं गाइस जो आसाम के फ्लड में ना हर साल शिकार होते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हर साल आसाम में फ्लड जाते हैं, बट आई डोंट नो न्यूज़ चैनल्स में तो दिखाई क्यों नहीं जाता। वो तो अब मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ ना तो मुझे पता रहता है कि भाई आसाम में चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मली न्यूज़ में भी आसाम के बारे में इतना नहीं दिखाते यार, सो आई एम रियली फीलिंग बैड। ये वाली तो ऐसी लोकेशन है ना, यहाँ पर भी कॉन्क्रीट रोड है, लेकिन आगे जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर तो और बुरी सिचुएशन होने वाली है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लोग कैसे रहते होंगे यार इस कंडीशन में। सो आई होप आसाम में जल्दी सब कुछ सही हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले नौगांव, उसके बाद हम लोग होजा रुकेंगे, फिर हम लोग डोनेशन का सामान खरीदेंगे। सो चलते हैं सीधा। यार ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग रुके एक ढाबे पे, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मेरे को। अभी हम लोग एक ढाबे पे रुक करके खाते पीते हैं बिकॉज थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है। आसाम में ना ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। तो वॉइस अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पर और मुझे लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी भाई, यहाँ बहुत भयंकर भीड़ हो रही है भाई। मैंने तो कहीं स्टोरीज भी नहीं लगाई थी गाइस। क्या हाल है बॉयज, बढ़िया गाइस, पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। मैं पता है इस टाइम विदाउट स्टोरीज घूम रहा हूँ पूरे आसाम में, बट स्टिल आई डोंट नो लोगों को कैसे पता लग जाता है मैं यहाँ पर हूँ। किसी ने स्टोरीज लगा दिया था भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच। आप लोग बता देता हूँ मैंने ना स्टेटस नहीं लगाया था, बट स्टिल भीड़ देख रहा हूँ। आप हेल्प करें, हम काफी ज्यादा उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों यूट्यूबर आके हमारा ऐसे प्रॉब्लम में हेल्प करें। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इस बारी जब मैं आसाम आया था ना तो मैंने कहीं पर स्टोरीज नहीं लगाई थी। मुझे पता था कि यू नो जब भी हम लोग स्टोरीज लगाते हैं बहुत भयंकर सीन हो जाते हैं। एंड अभी हम लोग पहुंचे थे हो जाए नील बगन में, और ये चेक कर पता लग जाता है कि मैं यहाँ पर पहुंचा, अगर मैं स्टोरी लगा दूँ तो भयंकर ही सीन हो जाता। बट ये चीज मेरे को बहुत बेस्ट लगी, जिसने भी ये चीज करी है बहुत अमेजिंग थी। एंड गाइस देव गॉट अ केक फॉर अस, तो अभी केक के काटते हैं और फिर बताते हैं आपको आगे का सीन। थैंक यू भाई। So guys, finally हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भाई क्या हालत हो गई थी यहाँ पर, इतने सारे लोग भाई, खतरनाक सीन हो रखा था। I was really not expecting ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कल फूड कैंपेन कैसे शुरू करेंगे। अभी के लिए अब सबको पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैंने इस बारी बहुत डिस्क्रीट रख रहा था अपनी कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, बट खतरनाक प्यारे भाई आसाम।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक भाई के घर, और यही सेफ है बिकॉज होटल होटल में रुकना इज नॉट गुड। होटल में ना सिक्योरिटी का बहुत इशू पड़ जाता है, एटलीस्ट हम किसी के घर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले, बट भीड़ बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो सुबह तक क्या होने वाले हैं। अभी हम लोगों को डोनेशन का सामान भी उठाना है, वो हम लोग कैसे उठाएंगे उसका सीन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। सो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। यार फाइनली हम लोग पहुंचे थे घर, और मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने इस टाइम लोकेशन का ही रिवील नहीं करा था, बट उसके बाद भी जनता आ गए। एक्चुअली आप लोगों को पता है इस बार हम लोग सामने डोनेशन के लिए आए थे, बट ये बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रूम में, एंड मैं आपको बाहर की सिचुएशन बता देता हूँ, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल फॉर नाउ, बट हम लोगों को ये डोनेशन करनी करनी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोग डोनेशन कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो गाइज 1 लाख जो मेरे एंड से थे वो हम लोग पीएम केयर फंड्स में डाल रहे हैं, वो पूरा डोनेशन आसाम के लिए। एंड मैं आपको बता देता हूँ अभी हम लोग नीलवगन होजाए में थे, तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी ना कि कौन से सबसे अफेक्टेड एरियाज हैं, तो होजाए में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे कि यहाँ के लोगों की कंडीशन थोड़ी सी बुरी है। तो यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग यहाँ पर 70K का डोनेशन हम लोग इस पे कर रहे हैं, एंड एक और गांव में हम लोग डोनेशन रेस करेंगे गाइस। उस गांव के लिए भी हम लोग 70K का बजट कर रहे हैं। डोनेशन जो हमारे पास रेस हुई थी वो अराउंड लाइक 60-70K रेस हुई थी। मैं बेसिकली सारा डोनेशन एक जगह पे नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट कि यू नो बाकी के जितने एरियाज हैं वहां के लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए। तो अभी हम लोगों ने राशन का ऑर्डर दे दिया, बस अभी शॉप में जाएंगे गाइस सारा राशन उठाने के लिए, एंड फिर उसके बाद पैकिंग शुरू करेंगे। तो बस अभी ऑर्डर चला गया, अभी शॉप में जाकर के राशन उठाते हैं यार। सो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राशन वाली शॉप पे, एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सही बता रहा हूं, मैं आज से पहले ना कभी राशन खरीदने नहीं गया, तो वी हैव दी होल लिस्ट जो जो सामान हम लोग खरीदने वाले। मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने उतना करवाया। एंड हर्ष क्या क्या देने वाले हम लोग लोगों को? दाल, राइस, शुगर, सॉल्ट, हल्दी, चिली, जो भी राशन्स में आसाम में यूज होता है ना। एग्जैक्टली exactly. और मुझे भी यहाँ पता लगा कि आसाम में लोग आटा नहीं खाते हैं, यहाँ पर राइस ज्यादा खाते हैं, तो हम लोगों ने आटा नहीं करवाया। वैसे भी आटा ना इस सिचुएशन में सही नहीं होगा देना, क्योंकि अगर पानी पुनी आ रहा है तो भीग भूख गया तो वो भी दिक्कत है। सो गाइज मेजोरिटी जो हम लोग घर का सामान है वो सब कुछ दे रहे हैं, और एक चीज है लड़कियों के लिए हम लोग सैनिटरी पैड दे रहे हैं, बिकॉज इस टाइम में सैनिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जितनी भी औरतें होंगी गांव में हम लोगों ने उनके लिए सैनिटरी पैड अलग से ऑर्डर कर दिया। एंड मैं आपको बता दूं यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को हेल्प आउट करने में, है ना और सही? अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि हम ना कैंडल भी वो कर रहे हैं, उनके घर में उजाला हो फिर से, समझ रहे हैं? जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, लोगों के घर में लाइट भी नहीं है, तो हम लोगों ने कैंडल भी करवाया। फिलहाल अभी सारा सामान निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। I'm just helping out सामान उठाने में, बिकॉज जो यहाँ काम कर रहे हैं वो भैया भी कितना सामान उठाएंगे। तो यार रात के बजे 12 और बाबू भैया के मिशन एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। मैं टेंशन में था कि हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट चेक दिस आउट गाइस, इन वाले कंटेनर्स में हमारे पास तेल है, इसमें चावल है हमारे पास पूरे सेक्शन में, इसके अंदर हमारे पास चीनी है, इसमें मिर्ची पाउडर और हल्दी है, बिटिनिया के बिस्कुट है, इसमें बिस्कुट है गाइस, इसके अंदर हम लोगों ने चना चुना और दाल दूध दिया है, पुआ पुआ बना के जो खाता है ना पुआ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर, और इसके अंदर हम लोगों ने गाइस पोहा भी करवाया बिकॉज इस टाइम पे इन सब चीजों की जरूरत होगी फैमिलीज को, और उसके अंदर हम लोगों के पास चीनी है, और इस वाले सेक्शन में हमारे पास चिली पाउडर, धनिया और हल्दी है। तो ऑलमोस्ट जो भी नेसेसिटी सामान है वो हम लोगों ने ले लिया, बस अब हम लोग इस वाले लोडर में इसको पैक कर रहे हैं गाइस, एंड फिर हम लोग घर जाकर के पैकिंग करेंगे। एंड मैं बता देता हूँ आज पूरी रात इस काम में लगने वाली है। आसाम में ना बहुत गर्मी है भाई, ह्यूमिड वाली, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ, डिहाइड्रेशन फुली फुल पावर चल रही है, लेकिन आज जाते काम हो जाएगा ना, मैं आपको बता दूं बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को डोनेशन स्कीम्स हर बार चलानी चाहिए, बिकॉज जो सेटिस्फेक्शन अभी मिल रहा है ना वो नेक्स्ट है, और अगले दिन जब हम लोग लोगों को बांटेंगे ना उनकी खुशी बहुत ऊपर होगी। फिलहाल अभी इसे लोडर में पैक करते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने लोडर के अंदर सामान डालना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट सारा सामान भर चुका है, बस अब मसाले रखने बाकी है, और भाई बारिश होना भी शुरू हो चुका है, चेक कर सकते हैं बॉयज, थोड़ी सी ना बारिश होना शुरू हो गई, मैं नहीं चाहता सामान भीगे, तो बस सारा सामान रखते हैं, पॉलीथीन बचा है पैक करने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने क्या सोचा ये वाला सामान ना बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज बना करके उन फैमिलीज को लिए डोनेट करना होगा। तो गाइस फाइनली सारा सामान लोड हो चुका है,
एंड आई एम रियली हैप्पी ये सारा सामान नेसेसरी लोगों के लिए जा रहा है। लाला भी हम लोग लेकर के जा रहे हैं घर तक बिकॉज थोड़ी रात हो चुकी है, इसके बाद जाकर के मैं पैकिंग भी कर रहे हैं, तो लोडर को बंद करते हैं, चलते हैं पैकिंग के लिए घर पे। तो यार अभी हम लोग ऐसे निकल लेते हैं एंड ये सारे लोग थे जिन्होंने हेल्प आउट करा, थैंक यू सो मच गाइज इतनी रात को हेल्प आउट करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ जब भी मैं आसाम में आता हूँ ना तो मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है कि यहाँ के लोग ना हमेशा हर एक जगह हेल्प आउट कर देते हैं, दैट इज व्हाई मेरे को बहुत अपनापन फील आता है। लास्ट में मैं जॉय अकॉम ही बोलूंगा गाइज, जॉय अकॉम। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और मैं आपको बता देता हूँ अब हम लोग ये पैक कर रहे हैं एंड स्पेशल थैंक टू दिस भाई गाइस, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, ये ऐसे लोग हैं जिनके कारण सारा काम हो पाता है और अब ये भाई पैकिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि इन सारे सामान को हम लोगों को छोटे छोटे पैकेट में बनाना है, हम लोग अलग अलग पैकेट बना रहे हैं एंड फिर उन छोटे छोटे पैकेट का एक बहुत बड़ा पैकेट बनाएंगे ताकि हम लोग एक थैले में एक फैमिली को दे पाए। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये इतना सामान है कि ऑलमोस्ट एक फैमिली हफ्ते भर तक है ना आई गेस हफ्ते भर तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड द थिंग इज गाइस बस कुछ दिन की प्रॉब्लम है, 10-15 दिन निकल जाएंगे ना फिर पानी भी कम हो जाएगा, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। मैं बोलता हूँ फ्लड के टाइम इतना दिक्कत नहीं था बट अभी जो फैमिलीज की हालत है ना वो मेरे को सुनने में आ रही है कि अभी सबसे वो से। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गाइज इफ यू वांट टू डोनेट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हम लोग वो सारा डोनेशन पीएम केयर फंड्स में डाल देंगे। एंड ये वाला ब्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ बिकॉज एडिट भी करना है जा करके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइज। कल सुबह हम लोग डोनेशन के लिए जाएंगे, हम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। तो दिस इज यू साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइज।